तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग काफी दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज कोई अर्निंग का बात नहीं होगा, आज कुछ अलग दिखाने की बात होगा। जो कि मेरे भाई साहब है घूम रहे हैं और इनके काम के सिलसिले से जा रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जो भी काम के लिए हम लोग जा रहे हैं आप लोग को दिखाएंगे, और दिखाने के बाद हम लोग आपसे बात कराते हैं कि किस लिए जा रहे हैं किस लिए नहीं जा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा बताइए तो आप कहाँ जा रहे हैं, बोलिए। हम लोग जा रहे हैं 12-7 के पास दत्तो पुकुर में, जहाँ पे बहुत तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं जिसमें हम लोग खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। बहुत से ऐसे वैरायटी है जो कि हम लोग अनजान हैं उन चीज़ों से, वो चीज़ आप लोग को हम लोग दिखाएंगे आगे चल के। हाँ, एक और बात बताना आप लोग को भूल गए, इनके पास एक बिजनेस है जो कि मिट्टी, जो भाड़ आप लोग देखते हैं मॉडल का, नाना प्रकार का, जो जिसमें शहर में जो दही आता है, लस्सी आता है, चाय आता है, मतलब नाना प्रकार का, उसमें मतलब भाड़ का, मतलब वो बिजनेस ही है और भाड़ मॉडल का भाड़ आता है। तो उसी के सिलसिले से ये जा रहे हैं, इनका अपना प्रॉपर बिजनेस है भाड़ का। तो और सब बताइए, उसमें कैसा बिजनेस है? उसमें मिट्टी का ही काम है। पहले की पुराने लोगों जैसे हमारे पिताजी हुए, चाचा जी हुए, वो लोग नॉर्मल भाड़ बनाते थे। तो हम लोग जब अपने जनरेशन में आए हैं, अपने जनरेशन के हिसाब से उसको अपडेट नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप, हम लोग एक एग्जांपल पकड़ते हैं, जैसे नोकिया को ही देखते हैं कि वो जनरेशन के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाया, उसमें कोई कमी नहीं थी लेकिन वो बस अपने आप को ढाल नहीं पाया, इसलिए वो अभी मार्केट में ख़त्म हो गया है, उस मार्केट में उसका जगह नहीं है। उसी प्रकार हम लोग भी नाना प्रकार के कुछ नए वैरायटी लाने जा रहे हैं जो कि जिसके वजह से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पाए। एकदम बात सही है कि नए यंग लड़कों को अपने जो भी है पूर्वजों का बिजनेस है उसको ग्रोथ कराना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि कितने, मैंने बहुत से ऐसे जनरेशन है कि उस पर जैसा चल रहा है वैसे ही रहता है, लेकिन नया जनरेशन को वही चाहिए कि एक दो कदम आगे बढ़ते चले, जितना बढ़ सके उतना बढ़े, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अगला जिस काम के लिए जा रहे हैं, अभी तो हम लोग जोड़ा मंदिर के पास में हैं बागुई हट्टी में, और यहाँ से फिर एक आदमी को उठाएंगे यहीं से गाड़ी में और लेके जाएंगे। हम लोग किस जगह पे जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं 12-7 के पास। 12-7 के पास जा रहे हैं, वहाँ पे जैसा मैंने कंपनी जो भी होगा वहाँ का हम लोग दिखाएंगे आप लोग को वीडियो में। हम दोनों के प्रिय एक पीछे मित्र भी बैठे हुए हैं, उनसे भी थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लिया जाए। थोड़ा आइए आइए भाई साहब आइए, ये देखिए ये इनका आप कहा बताए आपको, आप अब आइए थोड़ा बात उत करिए, आइए आइए आइए। ये थोड़ा बहुत शर्मा रहे हैं हम आप लोग को, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं बात करेंगे, ये तो कैमरा में भी आने वाले नहीं थे, इनको जबरदस्ती गेट लॉक करके रखा गया है कि भाई आप साहब आइए। हाँ, लेकिन चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं अगला, मतलब कि कैसे, मैंने कंपनी है, कैसा भाड़ है, कहाँ से हम लोग ला रहे हैं, वही दिखाएंगे आप लोग को।